हेलो एवरीवन, आज आप मेरे इस वीडियो में सीखेंगे डबल फ्रिल स्लीव कटिंग एंड स्टिचिंग। मैं आपको बहुत इजी मेथड बताने वाली हूँ, आप ध्यान से देखना। जो बिगनर्स हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आएगी और बहुत ही आसानी से वो बना सकेंगे। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है। ये इस तरह से हमारा उल्टा हिस्सा है और ये सीधा हिस्सा है। ये मैं आपको अच्छे से समझा सकूं इसलिए मैंने सीधा हिस्सा ही रखा है, बाकी हमें उल्टा हिस्सा करके कट करते हैं। तो ये हमने इस तरह से इस फैब्रिक को रख लेना है। ये इसमें हमें एक चीज देखनी है, जो हमारी ये बुट्टी है इसका मुंह हमने ऊपर की तरफ करना है। और जब हम ब्लाउज कट कर रहे थे तब भी हमें ये चीजें पूरे ध्यान में रखनी होती है कि जो हमारी बुट्टी होती है उसका जो बुट्टी का ऊपर वाला हिस्सा होता है ऊपर की तरफ करना होता है। तो हमने ये पूरी इस तरह से करेंगे तो ये हमारी बन नहीं रही है, तो इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा जॉइंट डालना पड़ेगा। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। ये हमने आठ इसकी लेंथ लेंगे, जैसे कि इसकी लेंथ हमने यहाँ से 5 इंच ले ली है। ये हम छोटी छोटी स्लीव ही बनाएंगे। 5 इंच लेने के बाद ये हम इधर से इसका मोड़ा रखेंगे और ये हमारी जो मोरी वाला हिस्सा होगा वो होगा। तो इसको हमें कुछ इस तरह से, जो मोरी वाला हिस्सा है इस तरह से ऐसे राउंड शेप दे देंगे। जो राउंड शेप हमें जो ये हमारा मोड़ा होता है इसकी तरफ देते हैं, वो हमें इसमें हमारी मोरी की तरफ देनी होती है। ये हम स्ट्रेट रखेंगे, इसको हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अगर हमें यहाँ जो हमारा अंडरआर्म्स होता है वहां पर अगर बिल्कुल ही खत्म करना है तो हम ये कट यहाँ तक भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे कस्टमर है इन्होंने थोड़ा हिस्सा रखवाया है तो ये हम इस तरह से रख सकते हैं। अब हम इसमें ज्वाइंट डाल देंगे। उससे पहले मैं आपको जो इसकी ऊपर वाली डबल फ्रिल जो लगाने वाली हूँ वो बताऊंगी। ये हमने 5 इंच ली है और इसको हम 3.5 इंच लेंगे। पहले हम इसको जो पहले वाली लाइन है इसको कट कर देंगे इस तरह से। इसको भी हम उसी तरह से हम राउंड शेप देंगे कुछ इस तरह से ही। ये हमने इसको भी राउंड शेप दे देनी है। इसमें हम ज्वाइंट के लिए कपड़ा लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। ये हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी इस तरह से। इसमें हम हल्का सा गहराई दे देंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि ये हमारा मोटा यहाँ तक आएगा। कुछ इस तरह से हमें इसकी हल्की सी शेप दे देनी है। इसको हम यहाँ से फिनिशिंग कर लेंगे इसकी और कुछ इस तरह से यहाँ से भी कट कर देंगे। तो ये हमारा मोरी वाला हिस्सा है और ये हमारा मोटे वाला हिस्सा है। इसमें हम जोड़ लगाएंगे। इसमें हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारे पास उसको ले लेना है और सेम बुट्टी को ऊपर की तरफ ही ऐसे रखते हुए इसको इस तरह से रखेंगे और इसको कट कर देंगे। ये हमने जो ज्वाइंट डालना था उसको कट करना बता रही हूँ। ये हमने दोनों के इस तरह से जो ज्वाइंट थे वो कट कर लिए हैं। अब मैं इनको आपको स्टिच करना बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों जो इनके थे जो ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमें इसको जो हमारा राउंड वाला हिस्सा है इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने सिंगल सिलाई सिंगल ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरे कपड़े पर सिंगल सिलाई लगानी है। हमें जब हम ये सिलाई लगाएं तो हमें जो हमारा ये कपड़ा है इसको ये ऐसे खींचते हुए सिलाई लगानी है। हमें पूरे स्लीव पर ये इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये सिंगल एक बार सिलाई लगा ली है इस पर भी। तो हमने अब एक बार और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगाएंगे और ये सिलाई लगाते हुए भी हमें कपड़े को इस तरह से ही खींचना है। हमें पूरे पर इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगा देनी है। ये हमने दो सिलाई लगा ली है। ये हमारी कुछ इसमें ऐसे चुनटे पड़ जाएंगी जब हम इसको खींचेंगे, हल्की हल्की प्रेस लगाएंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। और हमने जो दूसरा हिस्सा है उसको भी इस तरह से ही स्टिच कर लिया था डबल सिलाई करके। अब हमें इसको इस तरह से रखते हुए इस तरह से इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे।
हमने दोनों को इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से करते हुए, ये हमारा उल्टा हिस्सा है, इसको ब्लाउज पर स्टिच कर देंगे। इसमें हमें छटाई करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर हम बगैर छटाई के इसको लगाएंगे तो अब इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। अब मैं आपको इसको ब्लाउज में लगने के बाद दिखाऊंगी। ये हमें जो फिटिंग लगाते हैं उस टाइम सीधा स्ट्रेट पहले हमें ओपन हिस्से पर ही लगानी है और उसके बाद पूरे पर हम फिटिंग लगा देंगे। फिर मैं आपको पूरा रेडी होने के बाद ब्लाउज दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।